वंदे मातरम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के साथ साथ हर रोज पेड़ भी लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने गोविंदपुर में गांधीवादी समाजसेवी पद्मश्री माता राजमोहनी देवी के समाधि परिसर में जामुन का पौधा रोपा। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की शासन की रणनीति में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को भी महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है। सुराजी गांव योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नदी तट वृक्षारोपण, जंगलों में फलदार वृक्षों का रोपण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पर्यावरण संवर्धन के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को बचाए रखने का संदेश दे रहे हैं। और वहीं रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डौरा की भेंट मुलाकात सभा में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस बुजुर्ग कबिलासो दाई की मांग पर राशन कार्ड बनवाया था, उन्हें आज राशन भी मिल गया है। ग्राम कोचली की निवासी कबिलासो दाई ने कल मुख्यमंत्री से राशन कार्ड बनवाने का अनुरोध किया था, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने मौके पर ही राशन कार्ड बनवाकर उन्हें सौंप दिया था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बलरामपुर रामानुजगंज के वाड्रफनगर में के पटवारी पन्नेलाल को अपने पदीय दायित्वों के प्रति स्वेच्छाचारिता और लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आमजनों से पटवारी पन्नेलाल के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी। वहीं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय वाड्रफनगर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में से इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। और वही रायपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रघुनाथ नगर में कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली बच्ची स्मृति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि मैं हेलीकॉप्टर में कब बैठूंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम 12वीं में जब टॉप करोगी तो तुमको हेलीकॉप्टर में बिठा लेंगे, लेकिन स्मृति जिद पर अड़ गई कि मुझे आपके साथ आज ही हेलीकॉप्टर में बैठना है। इस पर बच्ची की जिद पर बच्ची की मनुहार को मुख्यमंत्री नहीं टाल सके और उन्होंने कहा कि तुमको आज ही हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे। और वहीं कैंसर पीड़ित सोमारू के इलाज के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,00,000 रुपए की स्वीकृति दे दी है। दरअसल प्रतापपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात अभियान के दौरान पीड़ित ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी थी। वहीं कैंसर पीड़ित सोमारू ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई थी। वहीं साथ ही साथ खोरमा के सोमारू की आर्थिक स्थिति पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोविंदपुर की आंगनबाड़ी में बच्चों से मिले, जहां उन्होंने अपने हाथों से सभी बच्चों को टॉफी वितरित की। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से इसके संचालन के बारे में भी जानकारी ली और पूछा। वहीं मुख्यमंत्री ने उनसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार और आंगनबाड़ी को नियमित खोलने के संबंध में भी जानकारी ली। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामानुजगंज में 57.10 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री कल रामानुजगंज विधानसभा के दौरे के बाद रामानुजगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया। और वहीं मुख्यमंत्री ने लगभग 43.46 करोड़ रुपए की लागत के 13 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने लगभग 13.63 करोड़ रुपए की लागत के 18 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक बृहस्पत सिंह भी मौजूद थे।
और मुख्यमंत्री बघेल रघुनाथ नगर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नव निर्मित तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं राजस्व प्रकरणों की मुख्यमंत्री ने प्रभारी तहसीलदार से जानकारी भी ली। तहसील निर्माण के लिए रघुनाथ नगर के लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात भी की, बात भी की। वहीं बच्चों ने अपने घर से लाया टिफिन खाने के लिए, मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी नाश्ता करके आया हूं, लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए कि हम घर से आपके लिए खाना लेकर आए हैं, तो वो बच्चों की जिद को टाल नहीं सके। वहीं उन्होंने उनके टिफिन से खाना भी खाया और खूब तारीफ की। और छत्तीसगढ़ के बालोद में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर पर शराब की लत से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। वहीं सक्रिय युवा इसे रोकने के लिए जुट गए हैं। खास तौर से गांव की युवतियां इसके लिए आगे आई हैं और अवैध शराब बिक्री का विरोध कर रही हैं। हम लोग जगन्नाथपुर से आए हैं। हमारे गांव में दारू की समस्या बहुत ज्यादा है, उसको हमें बंद कराना है। हम शाम को घर से नहीं निकल पाते हैं, तो सिर्फ यही अनुरोध है कि हमारे गांव में जो अवैध दारू बेचाता है उसको प्लीज कृपया बंद करा दे। सरकारवाही होती है हर दो दिन चार दिन में, हमारे गांव में कोई ना कोई पकड़ाता है। पुलिस भी पकड़ रही है, लेकिन दो दिन बाद उनको छोड़वा देते हैं। अगर पकड़ाने वाले एक है तो उसमें छोड़वाने वाले 10 लोग हैं। पैसा ले लेके सब छोड़ देते। जगन्नाथपुर में एक ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ है जहाँ पे मतलब अवैध शराब की बिक्री बड़े ही धड़ल्ले से चल रही है, और वहाँ माफिया सुबह से ही हरकत में रहते हैं और सुबह से ही कई खेप शराब की बोरियाँ ले जाते हैं और शाम तक के कई बोतलें शराब वहाँ खपा लेते हैं ऊंचे दामों में। 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये तक के ऊंचे दामों में खपा लेते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा माहौल गंदा हो चुका है कि वहाँ महिलाओं का भी निकलना दूभर हो चुका है, और वहाँ जिस बच्चों के हाथ में आज तालीम की किताबें होनी चाहिए उसके हाथ में शराब की बोतलें नजर आती हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मां दंतेश्वरी वार्ड और दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के निवासी बीते 3 महीने से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रभावित परिवारों में से लगभग 100 की संख्या में लोग निगम पहुंचे और इनके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और मां दंतेश्वरी वार्ड के पार्षद भी मौजूद थे। प्रभावित परिवारों ने अपने साथ सांकेतिक बाल्टी लेकर भी वो आए। प्रभावित परिवार महापौर से मिलना चाह रहे थे। महापौर ने कार्यालय में नहीं होने से आयुक्त महोदय से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। वार्डवासियों ने कहा कि हम बीते 3 महीने से पानी खरीद कर पी रहे हैं। टैंकर के पानी से निस्तारित काम किया जाता है। टैंकरों से पानी भरते भरते अब हम लोग थक चुके हैं। निगम के द्वारा अब तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया है। इसका स्थायी हल तत्काल निकालते हुए केंद्र सरकार की अमृत योजना का पाइपलाइन वार्ड के आगे से गुजरा है। इस पाइपलाइन से हमें तत्काल पानी देने की व्यवस्था की जाए, ये लोगों की मांग रही। सेम होता है, एक दो दूसरी मंदिर के पास था, उसमें अच्छा था कि पानी अच्छा आ गया, तो उस एरिया में काफ़ी पानी इधर हो रही है। और जो इधर जो दूसरे एरिया के लोग आए उस एरिया में दो जगह बोर की है, वहाँ फेल हो गया। एक और जगह जहाँ देखे तो वहाँ पर तार की वजह से या मशीन जानी पानी की वजह से नहीं हो पाया। और भी जगह चेक कर रहे हैं, और बाकी दो ऑप्शन ये है कि जैसे वार्डवासी बता रहे हैं कि जवाहर जलावर्धन योजना का पुराना लाइन था उसको भी चेक करवा रहे हैं, अगर संभव तो उसमें करेंगे। वार्डवासी ने आग्रह किया, तब हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कुछ करने नहीं आए, हमसे मांग रखने आए हैं। आप खुद जानते हो भैया कि लगभग एक माह पहले मैं खुद टंकी पर धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद दो बोर किया गया, दोनों बोर सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। उसके बाद मैंने अपने पार्षद से 4 लाख लिख के दिया दो जगह बोर करने के लिए, अभी तक ना बोर नहीं किया। लगभग 10 से 15 दिन हो गया मैं लिख के दिया हूँ, ना ही उस पार्षद निधि का कुछ मान्य दिया जा रहा है, ना कुछ नहीं, बोर नहीं किया जा रहा है। विगत 2 महीना पहले तक इसमें गंदे पानी पहले निकलना चालू हुआ, और लगभग 2 महीने हो गए बोर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। निगम के पार्षद जी के प्रयास से, राजपाल जी के प्रयास से निगम वहाँ दो बोर की गई, दोनों बोर असफल रहा। हम लोग लगातार आयुक्त महोदय से ये बात करते रहे कि साहब यहाँ मौके पर आयुक्त हैं, जनप्रतिनिधि महापौर है या किसी प्रकार के विधायक हैं, यहाँ पर आके इनको बताएं। ये सारे पब्लिक इनका गुस्सा पार्षदों पे फूटता है। हमने कहा कि आप जब बोर फिर कराएंगे, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा भविष्य के गर्त में,
अमृत योजना करोड़ों की योजना केंद्र की योजना का पाइपलाइन विस्तार है, पानी बाजू से जा रहा है, आप उससे कनेक्ट कीजिए, पब्लिक को पानी दीजिए, लेकिन उस और ध्यान नहीं दिया जा रहा। 4 महीना हुआ हम लोग पानी से तरसते हैं, बहुत खरीफ के पी रहे हैं हम लोग, कितना परेशानी जा रहा है, टैंकर के पानी से तो बच्चे लोग बीमार पड़ जाएंगे, उसके जिम्मेदार कौन होगा? 4 महीना हुआ पीने का पानी खरीद रहे हैं, टैंकर से तो नहीं पिला सकते ना। और खबरों में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच आज 34 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 210 हो गई है। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी है। हालांकि वहीं उन्होंने बताया है कि संक्रमण दर 0.42% और रिकवरी रेट 98.70% है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 37 है। एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के 210 बचे हैं। सैंपल जो लिए गए पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में, वो 8148 सैंपल लिए गए। और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पेयजल की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जहां तक होगा पेयजल की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, जिसके लिए हमारी सरकार काम भी कर रही है। बैठक आयोजित की है और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, आज हमारे जो नगरीय निकाय है उनमें जो पेयजल की स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए हमने बैठक आयोजित की है और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की पेयजल की स्थिति की समीक्षा हम लोग करेंगे और जहां पर जो और आवश्यक व्यवस्था करना होगी वो भी करेंगे।